देखिए जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, यह नमाइश पंडाल जिस सैफई महोत्सव का नमाइश पंडाल है और यहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जा चुका है और सभी के दर्शन के लिए, और यह अंतिम दर्शन होंगे, नेताजी के अंतिम दर्शन होंगे। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या कैमरा पर्सन से कहेंगे ये दिखाए दर्शकों को, और सभी जो नेताजी के चाहने वाले हैं और
पूरा नमाइश पंडाल भरा हुआ है, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, नमाइश पंडाल पूरा भरा हुआ है जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। नमाइश पंडाल देखिए जिस तरीके से कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे, यहाँ नेताजी का जो पार्थिव शरीर रख दिया गया है और सभी लोग यहाँ नेताजी का पार्थिव शरीर देख सकते हैं और सभी के दर्शन के लिए नेताजी का पार्थिव शरीर जो है रखा गया है। देख आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, जिस तरीके से आप नेताजी का पार्थिव शरीर जो है रखा गया है, उनके पुत्र मौजूद हैं श्री अखिलेश यादव जी और प्रतीक यादव, वो भी मौजूद है, पूरा परिवार मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको नेताजी का पार्थिव शरीर जो है और ये मीडिया का हुजूम तथा जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, नेताजी के चाहने वालों की कमी नहीं थी। जिस तरीके से आज दिख रहा है नेताजी, जो जमीनी नेता कहलाए, यूं ही नेता जमीनी नहीं कहलाए, क्योंकि जिस तरीके से जमीनी नेता यूं ही नहीं कहलाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने समाज सेवा की और फोर्सेस और वंचितों की सेवा की, जिस तरीके से आप दिख रहे देख रहे हैं और नेताजी का यहाँ पार्थिव शरीर रखा हुआ है और सभी और राष्ट्रपति जी की ओर से यह जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो तिरंगा झंडा जो तिरंगा झंडा जो नेताजी के पार्थिव शरीर के ऊपर रखा जा रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और ये श्रद्धांजलि देने वालों यह इटावा के जिलाधिकारी हैं और उन्होंने नेताजी के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। लोग पार्थिव शरीर के कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा इधर को दिखाए, इधर को करें, जिस तरीके से पार्थिव शरीर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग बाग, थोड़ा प्रवीण गौतम जी से कहना चाहेंगे इधर को करें कैमरा, प्रवीण गौतम जी थोड़ा इधर कैमरा करें, जिस तरीके से क्योंकि पार्थिव शरीर पर नेताजी की श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम नेता, तमाम विपक्षी गण सब लोग आ रहे हैं और नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि आज इनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं और 3 बजे जिस तरीके से कहा जा रहा है अंतुष्टि होगी, अंतुष्टि के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिस तरीके से हम बताना चाहेंगे नेताजी का, एक बार फिर से कहेंगे नेताजी को दिखाए, जिस तरीके से नेताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, इस पर अंतिम दर्शन के लिए लोग कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले जो हैं इनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और सामने से कहना चाहेंगे ये हुजूम जिस तरीके से आप देख रहे हैं और ये सभी
माननीय नेताजी के चाहने वाले लोग हैं, और जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे हैं, पूरा पंडाल जो सैपई महोत्सव का हुआ है वो पूरा पंडाल भरा हुआ है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा पंडाल, और यहीं से नेताजी का यहीं से आया और यहीं से लोग वहां जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सैपई से लाइव मौजूद हैं।